समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर बृहस्पतिवार को जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी की अध्यक्षता में लोक बंधु राजनारायण की 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसका संचालन निवर्तमान महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम और जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, पार्टी के सम्मानित साथियों, महान समाजवादी नेता लोक बंधु राजनारायण जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हुए हम कहना चाहते हैं, लोक बंधु जी इस देश में समाजवादियों के लिए कालजयी पुरुष के रूप में थे। उन्होंने कोर्ट से हराया इंदिरा जी को। आज देश के महापुरुष रहे और महान समाजवादी नेता लोक बंधु राय नारायण जी की 34वीं पुण्यतिथि हैं। वो बनारस से बिलोंग करते थे और बनारस के एक जमींदार राजा परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन वो महापुरुष थे। हमेशा जुर्म जस्ती अत्याचार के खिलाफ उन्होंने लड़ने का काम किया और हमेशा गरीबों के लिए उन्होंने लड़ा। वो जमींदार और बड़े परिवार के व्यक्ति थे, हजारों एकड़ उनके पास जमीन थी, लेकिन सारी जमीनों को उन्होंने, वहाँ के जो गरीब दलित अति पिछड़े लोग थे, उन्होंने अपनी सारी जमीनों को उन्हें दान कर दिया था। बहुत बड़ा योगदान उनका गरीबों के लिए रहा है। जब उनके भाई ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि देखो, हम एक पिता के दो संतान हैं, आधा हमारा हिस्सा है, जितना हिस्सा है मैं वो गरीबों में दे रहा हूँ। और वो एक ऐसे नेता थे, आपने देखा जुर्म जास्ती के खिलाफ लड़ते हुए इंदिरा गांधी का जब आतंक चरम पे था, तो अगर उनके खिलाफ किसी ने लड़ने का काम किया तो लोक बंधु राय नारायण जी ने सड़कों पर उतरने का काम किया। जब कोर्ट में भी उन्होंने इंदिरा गांधी जी को हराने का काम किया और जब वो इमरजेंसी लगा तो पूरे देश में लोक बंधु राय नारायण जी के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे और उस इमरजेंसी के खिलाफ उतर करके उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। और आपने देखा एक बड़ी जीत हुई। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम किया। आज हमें वो दिन याद आ जाता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कि जब इमरजेंसी के समय पर तमाम नेता और समाजवादी लोग, देश के लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन किए, इमरजेंसी का विरोध किए, तो जिन जिन लोगों को जेल में डाला गया था उनको लोकतंत्र सेनानी कहा गया। और उन लोकतंत्र सेनानियों को जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पेंशन देने का काम किया, और माननीय अखिलेश यादव जी की भी जब सरकार बनी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी पेंशन को बढ़ा करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि आज हम लोग मना रहे हैं।